अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वालदैन, आज हमने बच्चे को जो लफ्ज़ पढ़ना और लिखना सिखाया वो है शा शीन। शा शीन इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। शा से जो हम लफ्ज़ बोलेंगे हम उसी तरह से उसकी पहचान करवाएंगे। शा शेर, शा शलजम, शा शहद। इसके अलावा बहुत सारी आप इर्द गिर्द के माहौल में से चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो शा से शुरू होती हैं और बच्चे को आम तौर पर वो घर में मुहैया हो, नज़र आए, वो उसको आमतौर पर सीखता है। जो आपके करीब तरीन चीज़ है वो अगर शा से शुरू हो रही है तो हम शीन की पहचान उसको बड़े आराम से करवा सकते हैं। इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, बच्चों ने सीन लिखना सीख लिया तो शीन लिखना उनके लिए पतन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सा सीन की तरह लिख कर इसकी पहचान सिर्फ हमने करवानी है कि इसके ऊपर, इसका फ़र्क सीन से ये है कि इसके ऊपर एक दो तीन तीन नुक्ते होते हैं, लिहाजा वो सा सीन नहीं कहलाएगा। और जब उसके ऊपर नुक्ते हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? शा शीन। शा शीन की पहचान बार बार करवाने के लिए, उनको याद करवाने के लिए बार बार इसको हम दोहरा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने रख सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ सामने रखें, उसमें से हम कहें कि शा शलजम उठा के लाएँ। इस तरह की मुख्तलिफ मशकें करने से बच्चों को उसका दोहराई हो जाती है और उसको अच्छी तरह से याद हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मौन साबित हुई होगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर तमाम लिंक्स मौजूद हैं, तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार और मौन साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।